कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के बाद हम हमारी यात्रा में बढ़ते हैं अगले पड़ाव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की तरफ, जो नासिक शहर के पास त्र्यंबक में है। यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों इसी ज्योतिर्लिंग पे बसते हैं। चलिए आपको यहाँ पे दर्शन कराते हैं। कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पे दर्शन करने के बाद हम पहुंचते हैं अपने अगले पड़ाव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पे। इस व्लॉग में आपको वहां के दर्शन करवाएंगे। चलिए आगे व्लॉग में आपसे मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। जैसा कि आपको पता है, आपने पिछले व्लॉग्स में देख लिया होगा, हमने 5 ज्योतिर्लिंग जो है कवर कर लिए हैं। आज है हमारा 7वां दिन और अब हम पहुंच चुके हैं 6ठे ज्योतिर्लिंग पे, जो कि है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। नासिक के पास पड़ता है ये। यहाँ से कोशिश करेंगे, आज 7 दिन है, 7 दिन में नेक्स्ट जो है हमारा भीमा शंकर, वो भी आज ही कम्प्लीट हो जाए। 7 दिन में 7 ज्योतिर्लिंग हमारे हो जाएंगे। अभी हम गाड़ी पार्क करके अपनी यहीं पर पास में पार्किंग में गाड़ी पार्क करके पैदल ही जा रहे हैं। ये रहा रास्ता, ये बोर्ड लगा हुआ है इधर पार्किंग के पीछे। ये यहाँ पे मार्केट है रास्ते में, इसी रोड से होते हुए सामने त्र्यंबकेश्वर महादेव के ट्रेनिंग है, उन्हें उनके दर्शन करेंगे। अभी हम आपको भी उनके दर्शन कराएंगे। बट ये देखना होगा यहाँ पे फोन ले जाना अलाउड है या नहीं। वैसे मेजर जगहों पे आज तक हमें अलाउ नहीं किया है अंदर, एक आधी जगह को छोड़कर। ये देखिए सामने। तो चलिए आपको अब त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के स्थापना की कथा सुनाते हैं। शास्त्रों के अनुसार एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियां किसी बात पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई थी। उन सभी पत्नियों ने अपने पतियों को गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इसके लिए भगवान गणेश की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु, किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। तब गणेश जी ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर फसल खाने लगे। देववश गौतम वहाँ पहुँचे और तिनकों की मुट्ठी से उसको हटाने लगे। तृणों के स्पर्श से गौ पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के सामने ही मर गई। उस समय छिपे हुए सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर गौ हत्यारे कहकर ऋषि गौतम का अपमान करने लगे। ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों से प्रायश्चित पूछा। तब उन्होंने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को सर्वत्र बताते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद इस ब्रह्मगिरी पर 100 बार घूमो, तभी तुम्हारी शुद्धि होगी। यदि यह ना कर पाओ तो यहाँ गंगा जी को लेकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव जी की आराधना करो। इसके बाद फिर से गंगा जी में स्नान करके पुनः 100 करोड़ पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। गौतम ऋषि ने इस प्रकार कठोर प्रायश्चित किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वर मांगने के लिए कहा। महर्षि गौतम ने कहा कि भगवान, आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वदा निष्पाप हो। गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। ऐसा करने के लिए तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को मैं दंड देना चाहता हूँ। इस पर महर्षि गौतम ने कहा, उन्हीं के उस कार्य से मुझे आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब उन्हें मेरा परम समझकर उन सब पर आप क्रोध ना करें। बहुत सारे ऋषि मुनियों और देवगणों एवं गंगा ने कहा वहाँ उपस्थित होकर ऋषि गौतम की बात का अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहीं पर निवास करने की प्रार्थना की।
देवों की प्रार्थना करने पर भगवान भोलेनाथ वहीं गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत और मुख्य बात यह है कि इसके तीन मुख हैं, जिन्हें एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र का रूप माना जाता है। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है, जिसे त्रिदेव के मुखौटे के रूप में माना जाता है। इस मुकुट में हीरे, पन्ने और कई बेश कीमती रत्न लगे हुए हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर में इसको सिर्फ सोमवार के दिन शाम को 4 से 5 बजे तक दर्शनार्थियों को दिखाया जाता है। बाकी गोदावरी नदी के किनारे बने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और अनोखी। अगर आप यहाँ पे दर्शन के लिए जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है, जिसमें प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग आँख के समान दिखाई देता है, जिसमें जल भरा रहता है। यदि ध्यान से देखा जाए तो इसके भीतर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों लिंगों को त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अवतार माना जाता है। इस मंदिर में कालसर्प दोष की शांति वैदिक पंडितों के द्वारा कराई जाती है। बाकी आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो शेयर करना। आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। हर हर महादेव।